So, hello guys, welcome to Code for Interview. Welcome to the next video of the Java project series, Hotel Management System. ठीक है, तो अपनी अपने प्रोजेक्ट में हम अब तक काफी कुछ कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर हमारा ये मेन मेन फ्रेम था. मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ. ठीक है, लेकिन एक ओवरव्यू मिलना चाहिए हर वीडियो में कि हम अब तक क्या कर चुके हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बना किया था और हम यहाँ पर डैशबोर्ड में पहुंच गए थे. ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक रिसेप्शन का ऑप्शन था और एक यहाँ पे एडमिन में. ये तीन ऑप्शन थे. हम अब तक यहाँ पर ये तीन क्लासेस बना चुके हैं. हम यहाँ पे एड एम्प्लॉय बना चुके हैं. ठीक है, ये एड एम्प्लॉय बना चुके हैं और हम यहाँ पे एड रूम्स बना चुके हैं. ये एड रूम्स था जहाँ पे हम होटल में रूम सेट कर सकते हैं और यहाँ पे ड्राइवर्स के रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. हमने ये वाला फ्रेम बनाया था. ठीक है, लेकिन अब जो हमें नेक्स्ट फ्रेम बनाना है वो यहाँ पे रिसेप्शन वाला फ्रेम है. ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंट्रोल होगा. ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम वाला. तो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ. ठीक है, रिसेप्शन के नाम से. तो रिसेप्शन के नाम से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई जो एक्सटेंड करेगी जे फ्रेम को. ठीक है, और ऊपर उसको इंक्लूड कराते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार. ठीक है, या इसके बाद फिर जे फ्रेम में एरर है क्योंकि एफ कैपिटल होता है. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, बस बटन्स ही बटन्स हैं एंड मेरे पास यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है. ठीक है, तो अगर आप बटन्स काउंट करें कि मेरे पास कितने बटन्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 12 बटन्स हैं. मैंने पहले से काउंट किए हुए हैं. B2, B3, B4. B3 तो बनाया नहीं, बोल दिया बनाया नहीं. ठीक है, B4 एंड यहाँ पर आ गया B6, B7, B8, B9 एंड B10, B11 एंड B12. ठीक है, तो ये सभी बटन है मेरे पास यहाँ पर. फिर मेरे पास यहाँ पर एक इमेज भी है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इन बटन्स को डिफाइन करते हैं. अरे या तो B1 इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन मैंने यहाँ पे बनाया. ठीक है, न्यू जे बटन. तो सबसे पहला अगर आप बटन देखें तो मेरे पास यहाँ पे बटन है न्यू कस्टमर फॉर्म. न्यू कस्टमर फॉर्म के नाम से मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला बटन है. ठीक है, और बटन जो है वो ब्लैक कलर में है. तो सेट बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने किया, सेट बैकग्राउंड और कलर डॉट ब्लैक. ठीक है, B1 डॉट सेट फोरग्राउंड. ये नीचे इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर जो है आप देखेंगे कलर क्लास ऑलरेडी वहाँ पे इम्पोर्ट हो चुकी है. ठीक है, कलर लिखते ही उसने कलर क्लास अपने आप इम्पोर्ट कर दी. इसके बाद फिर B1 डॉट सेट बाउंस करते हैं. ठीक है, लेफ्ट से 10 दूर है, यहाँ से 30 रखते हैं. बटन कितना रखें, 150 रखते हैं. इसको देखता हूँ कहाँ पर आएगा. 150 से तो शायद बड़े बनाने पड़ेंगे आपको बटन. 150 भी देखते हैं. तो यहाँ पे सेट लेआउट मैंने यहाँ पे नल किया. ठीक है, एक सेकंड. या सेट लेआउट नल किया एंड यहाँ पे सेट बाउंस करते हैं. ये कितना चाहिए मेरे को बटन, अगर सपोज मैं 200 में बनाता हूँ. ठीक है, 200 मैंने बटन बनाया, स्क्वायर शेप में इमेज है वो कितने की है, 500 सपोज अगर मैंने उसको रखा. 500 प्लस 200 700 और 750. तो मेरे को 750 या 800 के अराउंड मेरे को ये चाहिए होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको अभी फिलहाल के लिए 500 एंड 200 रखते हैं. 500 200 एंड कितना 800 एंड सपोज कितना 500. या आई हैव नो क्लू कि ये कहाँ पर आएगा. ठीक है, मैं बस चला के देख रहा हूँ एक बार, ऐसी रफ आइडिया लेके चला के देख रहा हूँ, फिर बाद में सेट कर देंगे. टिक पब्लिक, अरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एंड ए आर जी एस. या अब यहाँ पे आ जाएगा न्यू रिसेप्शन डॉट सेट विजिबल एंड ट्रू. या चलाते हैं. तो चलाया या इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा जैसा कि मेरे को लगाई था. ठीक है, तो इसको 200 करते हैं. मेरे को लगाई था वो ज़्यादा छोटा हो जाता है. अरे भाई, या परफेक्ट बिल्कुल. ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे को लग नहीं रही. हाँ, ये तो ठीक लग रहा है. ठीक है, तो सभी अपने बटन्स बनाते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 12 बटन हैं. B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 एंड B12. ठीक है.
तो नेक्स्ट जो मेरा बटन है वो रूम के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा रूम लिखा इसको, ठीक है, और इस सबको मैंने चेंज किया बी2 में, ठीक है। और यहाँ पे बटन में रखते हैं सपोज 40 का गैप, क्योंकि पीछे हमने 40 दिया हुआ था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखो तो मैंने वहाँ पे 40 दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी 40 रखते हैं, 50 बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है फिर डिपार्टमेंट है B3, 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 एंड इसको रखते हैं 110, ठीक है। इसके बाद फिर अपने पास जो नेक्स्ट है वो है ऑल एम्प्लॉयज इन्फो, ऑल एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रखते हैं, ऑल एम्प्लॉय इन्फो, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास B4, 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 एंड ये भी B4, ठीक है। उसके बाद फिर 110 के बाद आता है अपने पास 150, ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अपने पास कस्टमर इन्फो, तो यहाँ पे कस्टमर एंड इन्फो, या एंड ये B4 की जगह कर देते हैं इसको B5, 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 एंड यहाँ पे आ गया B5, परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है। कस्टमर इन्फो के बाद अपने पास मैनेजर इन्फो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी MANAGER, मैनेजर इन्फो, एंड ये सब कुछ अपना B6 में, B6, 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 ऊपर मैं सेट बाउंड चेंज करना भूल गया, ठीक है। ऊपर किया हुआ मैंने, या ऊपर यहाँ तक तो किया हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 190, यहाँ पे आ जाएगा 230, ठीक है, हाँ ठीक है। बाद फिर अपने पास मैनेजर इन्फो के बाद है अपने पास पे चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने चेकआउट ओ कैपिटल रखते हैं, क्योंकि हम सब कैपिटल रख रहे हैं, सेकंड फर्स्ट वर्ड हर वर्ड का, फर्स्ट कैरेक्टर हर वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 7 एंड 7 एंड 7, 230 के बाद आ जाएगा अपने पास 270। फिर अपने पास अपडेट चेक स्टेटस, ठीक है। इसको नेक्स्ट लाइन लाते हैं, यहाँ पे आ गया B8, B8, B8 एंड B8, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 310, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे अपडेट रूम स्टेटस, ठीक है, तो अपडेट रूम स्टेटस यहाँ पे मैंने किया, एंड ये आ जाएगा B9, 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 अरे B9, या ये आ जाएगा यहाँ पे 350 पे, ठीक है, ADD। इसके बाद फिर अपने पास है B10, इसको इधर, इसको इधर, B10, और ये हो जाएगा 390, लेकिन ये क्या चीज है, ये अपने पास पिकअप सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पिकअप, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे B11, ठीक है, ये है अपने पास 430 पर, ठीक है, 430 या 430, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास ये सर्च रूम ARCH ROOM, या ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद अपने पास लॉगआउट, तो ये अपने पास यहाँ पे 12 बटन थे, ठीक है, यहाँ पे लॉगआउट था और ये आ गया 12, या एंड ये है अपने पास 470। ठीक है, चला के देखते हैं एक सेकेंड के लिए कि सही, हाँ सही तो आया है, बस मेरे को इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेट बाउंड 530, 530, तो वहां से आएगा 470 एंड 470 एंड 500, एंड ये आ जाएगा 530 तक, या अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं कैलकुलेशन गलत है। अरे भाई कोई नहीं, होता है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, 470, या कलर को चेंज कर देते हैं पहले, कंटेंट पेन डॉट सेट बैकग्राउंड एंड कलर डॉट वाइट, चलाते हैं, या बेटर, काफी बेटर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इमेज लगानी है, तो सबसे पहले इमेज लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा इमेज आइकन, I1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, और यहाँ पे आ गया होटल के अंदर MAMA GMENT मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आ गया आइकन्स, ठीक है। आइकन्स के अंदर कौन सी इमेज है, यार कौन सी इमेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड हो सकती है, नहीं फोर्थ है, फोर्थ,
या ये वाली इमेज है, ठीक है, तो ये उठानी है मेरे को, फोर डॉट जेपीजी, FOURTH, FOURTH डॉट जेपीजी, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसको एक लेबल में डालते हैं, वहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, जे लेबल L1 इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और यहाँ पे मैंने डाला I1, ठीक है, और यहाँ पे L1 डॉट सेट बाउंस किया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो, ठीक है। और फिर बटन अपना कहाँ तक जाएगा, बटन जाएगा अपना 210 तक, तो इसको 250 से रखते हैं, 250 एंड 30 से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बटन जो है हमारा वो ऊपर से 30 तक नीचे है, ठीक है। इसके बाद फिर ये रखते हैं 500:500 तक, ऐड करेंगे L1 को, ठीक है, चलाते हैं। अरे परफेक्शन, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। थोड़ा सा विथ 480 करते हैं, वो ज़्यादा नीचे जा रही है, 470 करते हैं। ठीक है, बहुत सही, काफ़ी सही आई है, ठीक है। इसको डैशबोर्ड पे चला के देखते हैं, तो डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ रिसेप्शन के नाम से, तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यू और रिसेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, डॉट सेट विजिबल, इसको किया ट्रू, या ठीक है, चलाते हैं। एंड यहाँ पे ये रिसेप्शन के नाम से, परफेक्ट, बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं पहले। ट्वेटी किया इसको, ठीक है। ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये आगे नहीं बढ़ा गया टू, अरे इसको नहीं करना भाई, इसको नहीं करना, इसको करना है, मैं वही तो सोच रहा हूँ, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। या काफी बेटर, इसको 20 और बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए और इसको 550 करते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड में जाएंगे, चलाते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो है इसके बीच में आ जाए, ठीक है, या जैसे अभी इसके जो लिखा हुआ है ना इसके बिल्कुल बीच में इमेज है, मैं ये चीज कर रहा था कि जो इमेज है वो उसके बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अभी ये अपने क्लिक, अभी ये अपने क्लिकेबल्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने अब तक ये बनाया ही नहीं है, तो क्लिकेबल नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी बना के जो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में इनको बनाने में टाइम खराब ना हो, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है वो शायद छोटी है, या सिर्फ 14 मिनट की रिकॉर्ड हुई है अब तक, ठीक है, तो वीडियो छोटी है तो फिर बना लेते हैं इसको भी, ठीक है, रिसेप्शन पे जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी जो फंक्शनैलिटी वो बना के छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में टाइम ना खराब हो, तो क्योंकि ये वीडियो जो है वो छोटी ही है, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। AWT डॉट इवेंट डॉट स्टार, ठीक है, और एक्शन लिसनर के लिए मेरे को यहाँ पे इन सभी में एक बटन लगाना पड़ेगा जो कि होता है B1 डॉट LIST एक्शन लिसनर, और यहाँ पे मैंने लिखा दिस, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसे बना के छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे डैशबोर्ड में बना के छोड़ा था, ताकि बाद में जब हम बाद में जब वो वाली क्लासेस हमारी सारी बन जाएंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस आके इसमें चेंजेस नहीं करने, बस वहाँ वहाँ पर सीधा हमें एक्शन परफॉर्म में जाके उसका ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि ये वीडियो अभी छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी फंक्शनैलिटी डाल देते हैं, ठीक है, बना के छोड़ देते हैं, मतलब फंक्शनैलिटी बाद में यहाँ पर आके उसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है। बेसिक्स डाला एंड यहाँ पर इसको B7 किया, इसको हमने किया B8, इसको हमने किया B10 एंड इसको हमने किया B11, ठीक है, एंड इसको हमने किया, अरे क्या हो रहा है, B9 छूट गया। मैं वही तो सोच रहा हूँ भाई, बटन तो 10 चल रहा है, मैं वहां पे 11 डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाला मैंने बटन 12, या ठीक है, परफेक्ट है।
हाँ ये एरर कहाँ पर है? अच्छा वो अभी क्लास नहीं बनाई, वो मेथड नहीं बनाया, ठीक है ठीक है, मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है मेथड बनाया यहाँ पे, और एक्शन इवेंट ए, ठीक है, और नहीं इसको या ठीक है, और अगर इफ ए डॉट गेट सोर्स अगर ये इक्वल है हमारा किसके, बी वन के, ठीक है, तो हमें ये वाली फंक्शनलिटी डालनी है जो अब तक बनी नहीं है, ठीक है, तो इसको करेंगे कॉपी, ठीक है, एल्स पेस्ट, ठीक है, एल्स अगर वो हमारा बी टू के इक्वल है तो हमें ये वाली फंक्शनलिटी डालनी है, लेकिन फिर इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, बार बार तो मैं एल्स लिखने वाला हूँ नहीं भाई, तो अगर ये बी थ्री है यहाँ पे, बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, बी नाइन, बी टेन, बी इलेवन एंड बी ट्वेल्व, या बी टू, बी थ्री, अरे बी फोर, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी एट, बी नाइन एंड बी टेन, बी इलेवन, एक सेकेंड, बी इलेवन एंड बी ट्वेल्व, या ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज लगा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट वाला भी बटन है अपना, वो लॉग आउट का बटन है, तो हम उसे लगा के चेक कर सकते हैं कि चल रहा है नहीं, नहीं चल रहा, ठीक है, लॉग आउट मतलब सेट विजिबल फॉल्स हो रहा है, ठीक है, सेट विजिबल फॉल्स कर करते हैं इसको, तो लास्ट बटन हमारा ये वाला बटन है लॉग आउट का, इस पर मैंने सेट विजिबल फॉल्स किया, मतलब इस पे क्लिक करने पर ये वाला फ्रेम क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो इस पे क्लिक किया एंड क्लोज हो रहा है, पर तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। अब आगे हम क्लासेस बनाते जाएंगे और यहाँ पे उनको एडिट मारते जाएंगे, यहाँ पे उसको जोड़ते जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में किया था ये चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बटन्स नहीं थे, यहाँ पे वो थे मेन्यू आइटम्स थे, तो मेरे को यहाँ पे गेट एक्शन कमांड का यूज करना पड़ा था, ठीक है, अगर आपने वाली वीडियो देखी है तो, या ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही था रिसेप्शन, क्योंकि अगर आप रिसेप्शन क्लास देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इन पे काम करेंगे, ठीक है, अब ये क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।